हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक लाइक कर दें। अगर इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दे सकूँ। सो आज का टॉपिक है कि कट क्रीज आई मेकअप कैसे करें, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैं आपको कुछ इजी टिप्स बताने की कोशिश करूँगा और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं ऑलरेडी मैंने फाउंडेशन लगा रखा है। सो मैं क्या कर रहा हूँ आज, जो कि मेरा ये जो फर्स्ट शेड जो है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये जो शेड है मैं इस शेड का पहले इस्तेमाल करूँगा। तो इसे मैं सिर्फ इतने एरिया पे लगाऊंगा, ये जो मेरा लाइंस आपको दिख रहा होगा आईज के अंदर, इतने एरिया में मैं सिर्फ इसको अप्लाई करूंगा। और इसको अप्लाई करने के बाद से अगला स्टेप क्या होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शेड कब इस्तेमाल करना है और उसे किस तरह से ब्लेंड करना है, किस तरह से कट करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो है बिना स्किप के आपको देखना पड़ेगा। ये जो शेड है वापस मैं लगा रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से, और इतना लगने के बाद से इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देख रहे होंगे ये ब्लेंड हो गया है। अब मैं अपना दूसरा ब्रश यूज़ करने जा रहा हूँ, ये वाला ब्लेंडिंग ब्रश। तो इससे आज मैं कुछ अलग शेड यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरे पास एक ये शेड पड़ा हुआ है, वाइन कलर का शेड है दिस वन। ये वाइन कलर का शेड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और इसे कहाँ यूज़ करना हूँ अभी आपको बताता हूँ। मैंने इसमें ले लिया है वाइन कलर का शेड। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा आइस का आइस में आइस के इधर जो ये एरिया है, ये वाला ऊपरी जो एरिया है, जो बोन वाला एरिया है, वहाँ पर इस लाइन के बीच में उसको मैं इस कलर से ऐड करूँगा कुछ इस तरह से। और इसे हमें हल्के हाथों से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, धीरे धीरे ब्लेंड करना है, नहीं तो फिर ज़रा सा भी बिगड़ गया तो आपको वापस यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ये वापस मैंने लिया हुआ है और इसको मैं बहुत ही इजी इजी तरीके से इसको मैं ब्लेंड करूँगा इस तरह से। और इस जब ब्लेंड करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें बहुत ज़्यादा आगे की तरफ नहीं आना है, ठीक है, हमें बहुत लाइट आगे की तरफ ये करना है ताकि मतलब पता ना चले कि कहाँ पर ख़त्म हुआ है और कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हमें हमारा जो ये मेन एरिया जो है वो ये है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी बकायदा कि ये जो शेड जो यूज़ हो रहा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं, आप कर भी सकते हैं, बट आपका अगर इनर कॉर्नर तक वो आ रहा है ना तो ये जो एरिया होता है इनर कॉर्नर वाला, उधर डेप्थ ज़्यादा दिखाई देगा और वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है देखकर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और यहाँ पर शेड लगा रहा हूँ और ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही लगाना है बेसिकली यहाँ पर, ताकि वो अलग से दिखे। ये इतना लगा लिया हमने, अब इसको हम ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड करेंगे और इसको ये जितने अच्छे से ब्लेंड हो सके उतने अच्छे से इसे ब्लेंड करने की कोशिश करें। इसे इस तरह से ब्लेंडिंग हमें करना है। अब ब्लेंड करते वक्त ये चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ब्लेंड करते वक्त ये शेडो ऐसा नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, राइट, ये शेडो इस तरह से बाहर जाना चाहिए, जिस तरह से लाइनर बाहर जाता है उसी तरह से बाहर जाना चाहिए। और मैं एक और आपको छोटा सा एक आइडिया दूंगा जिससे ये थोड़ा सा और शार्प हो सके। तो शार्प करने के लिए जो ये जो इनर लाइन जो है, इसे शार्प करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बताऊंगा, बहुत इजी टिप्स है। और इसे मैं फ़िलहाल ब्लेंड कर रहा हूँ बाहर की तरफ इस तरह से, इस तरह से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। और जो अंदर वाला जो पोर्शन है उसे कोशिश कीजिएगा कि वो थोड़ा सा मतलब डार्क रहे, जितना डार्क रहेगा उतना बेटर लगेगा वो।
सो हमें इसको इस तरह से ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करने के बाद से इसे बाहर की तरफ लेके आना है हमें, ठीक है। आप देख रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये कैसा आई मेकअप किया हुआ है, जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा आपके शायद। तो इसका एक जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए अब हमें आगे का स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है अब। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये फ्लैट ब्रश है फाउंडेशन का, तो इससे मैं क्या करूंगा कि जो कलर का शेड मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है आई के ऊपर, तो वही कलर का शेड या फिर उससे थोड़ा सा ब्राइट शेड मैं लेके उसके ऊपर जो ये जो लाइन है यहाँ पर, जो आपको लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन के अंदर इतना जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, जिससे वो और ज़्यादा ये जो कलर किया हमने ये थोड़ा और ज़्यादा उठ के आए। तो मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर लूँगा अभी। सो अब ये जो है, आपको दिख रहा होगा शायद, अब ये जो कलर है इसे मैं कुछ इस तरह से ऐड करूँगा इसके ऊपर। इसको ये जो ब्राइट शेड है इसे हमें इस तरह से कुछ ब्लेंड करना है। इसे इस तरह से मैंने ये कर दिया है, अप्लाई कर दिया है इस ब्राइट शेड को। अब ये जो शेडो है इसे हमें हल्के हाथ से इसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा इस तरह से लाइन बनाना है। ये लाइन बना लिया जब आपने, जब लाइन आपका बन जाएगा उसके बाद से इस शेड के ऊपर ये जो फाउंडेशन है इसके ऊपर हमें हल्का सा, तो आप पाउडर भी कर सकते हैं या तो फिर जो शेडो जो है वो शेडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी इसके ऊपर मैं शेडो वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बिगनिंग में किया हुआ था। ये मैंने इतना सा लिया है और इसे हल्के हाथ से इस तरह से हमें इसके ऊपर ब्लेंड करना है, सिर्फ डैप करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ डैप करना है। ये आपका हो गया कट क्रीज। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको शेप देने के लिए मैं एक लाइनर करूँगा। सो लाइनर करने के लिए मैं ज़्यादातर मैं काजल पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो काजल पेंसिल ये इस तरह से लिया है मैंने, अब इसको इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा इसे। अब लाइनर के लिए आप अपना आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर काजल पेंसिल से ही लाइनर यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इसलिए, क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है और ज़्यादा लंबे टाइम तक ये मतलब स्टे भी करता है। तो हमें इस लाइनर को इस तरह से अप्लाई करना है अच्छे अच्छे से एकदम, ताकि ये अलग से ना दिखे, मतलब उसका शेप जो है प्रॉपर शेप आना चाहिए इसे।
सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे प्रॉपर में दिखा सकूँ। और तो इस लाइनर को हमें इस तरह से लंबा खींचना है। सो ये हमारा आई मेकअप आज का रेडी हो गया, जो कि कट क्रीज जिसे कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कट क्रीज आई मेकअप। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते देखते रहिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो, दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी आपको डाउट हो, प्लीज़ उस डाउट को मेरे साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कीजिए। और भी कोई और टॉपिक हो आपके पास वीडियोस के लिए, मेकअप के लिए, तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।